जब जलवायु की बात की जाती है, जब जलवायु की बात की जाती है तो किसी भी स्थान पे दीर्घकालिक अवधि के लिए ताप, दाब, वर्षण और आर्द्रता की मात्रा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लूटस आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्लूटस आईएएस पे, और मैं हूं रवि सिंह, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका मार्गदर्शक। और आज हम जानेंगे, ज्योग्राफी एक विषय ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशंस कर रहे हो। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम बात करें, ऑप्शनल के संदर्भ में काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, और ज्योग्राफी कई अन्य विषयों के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे हम बात करें अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी भूगोल की जब हम बात करते हैं किससे जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ ही जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, समाज की बात करते हैं, तो समाज को बनाने के लिए विभिन्न कारकों में एक कारक भू आकृतिक अवस्थाएं, वहां की जलवायु, वहां का स्थान, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, तो जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये उपयोगी साबित होता है। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन, जब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से, साइंस एंड टेक के माध्यम से विभिन्न रिसर्च और डेवलपमेंट कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसकी वजह से वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, प्राकृतिक आपदाओं के समय कैसे उससे निपटा जा सका है, और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भाई, सिलेबस डिस्कस करना, तो उस सिलेबस के लिए बहुत सारी वीडियोस नेट पे पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे आपके मिल जाएंगी। आज मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। समस्या क्या है, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं या हम स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो खासकर हिंदी मीडियम में एक समस्या आती है जो बच्चों को लगता है कि हमारे साथ बायसनेस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों को नंबर कम मिलते हैं। तो जैसा मैंने एनालाइज किया है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहली कारण है पुअर राइटिंग स्किल्स। पुअर राइटिंग स्किल्स यानी बच्चों को शब्दों के चयन में समस्याएं आती हैं। बच्चे आंसर्स को, उनको पता है कि लिखना क्या है, लेकिन लिखें कैसे, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये उनको नहीं पता होता है। दूसरा, एक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी, जब हम बात करते हैं भारत की शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो हमने स्कूल में, कॉलेजेस में सिर्फ चीजों को रटा है। हमने क्या किया, चीजों को रटा है, ना कि समझा। और अगर हम समझते तो हमारे साथ समस्याएं नहीं आती, क्योंकि जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, तो हम वो कभी नहीं भूलते, और समझी हुई चीजों को आप अच्छे से मल्टी डायमेंशनल वे में एलोबरेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि भूगोल का संबंध अर्थव्यवस्था के साथ है, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ है, राजनीतिक परिदृश्य में बात करेंगे तो भी इसका अहम रोल आता है, ठीक है। हर एक क्षेत्र में भूगोल का अपना एक महत्व है, ठीक है। तो ज्योग्राफी रटना नहीं है, मेरी क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा, आप क्या जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है, आप चीजों को सीखेंगे, रटेंगे नहीं, ठीक है। और जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहां पर रटने जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको चीजों को समझना है, ठीक है। अब पिछले कुछ वर्षों के अगर जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एक चैप्टर है, एक अध्याय है जिसका नाम है जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं। पिछले 7 सालों के अगर हम पेपर को उठा के देखें, 7 ईयर्स के जो हम पीवाईक्यू उसको अगर आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से काफी अच्छा वेटेज पूछा जाता है। तो आज
मैं आप लोगों के साथ में यही चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं और जानेंगे कि पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, अगर रेगिस्तान पाया जाता है तो उसके पीछे क्या कारण है, अगर मानसून आता है तो उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, जलवायु का वितरण किस आधार पर किया जाता है, उसको हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं शॉर्ट वे में, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद भी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जलवायु विज्ञान में, जलवायु क्या होती है। ठीक है, मौसम क्या होता है, ठीक है, जलवायु क्या है और मौसम क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या आएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जलवायु और मौसम को एक ही मान लेते हैं, ठीक है। मौसम क्या होता है, सबसे पहले समझे मौसम को, अल्पकाल में, अल्पकालिक अवधि में होने वाले परिवर्तन, यानी पृथ्वी पर भौतिक स्थितियों में परिवर्तन होना। जैसे मौसम के अंदर हम बात करें, वर्षा का होना, तापमान के अंदर परिवर्तन आना, ठीक है, और स्थितियों का बदलना, ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु का आना, बरसात का आना, मानसून का आना जिसकी वजह से बरसात होती है, चक्रवात आते हैं। तो जब चक्रवात आते हैं तो किसी भी भौगोलिक स्थिति के, किसी भी क्षेत्र के जो जलवायु है उसके अंदर परिवर्तन होगा, लेकिन अल्पकालिक परिवर्तन होगा, ठीक है, अल्पकालिक परिवर्तन या अल्पकालिक घटनाएं जिसमें क्या होगा, तापमान, वर्षा एवं दाब के कारण वायुमंडलीय स्थिति में वर्षा, ताप, दाब और आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता की मात्रा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। ठीक है, जब जलवायु की बात की जाती है, तो किसी भी स्थान पे दीर्घकालिक अवधि के लिए ताप, दाब, वर्षण और आर्द्रता की मात्रा, निश्चित मात्रा, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र पर दीर्घकालिक अवधि के लिए मौजूद तापमान, वर्षा, दाब और आर्द्रता की मात्रा, जो निश्चित मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित क्षेत्र पर निश्चित तापमान दाब आर्द्रता एवं वर्षा की या वर्षण की दीर्घकालिक स्थिति क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। जब लंबे समय तक किसी भी स्थान पर तापमान एक समान रहे, दाब एक समान रहे, वर्षा की स्थिति, वर्षा का जो हम कहें वर्षा की जो मात्रा है, ठीक है, वो समान रहती है, औसत वार्षिक वर्षा समान रहेगी लंबे समय तक, कई दशकों तक बिना किसी बदलाव के, तो उसको जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या है, समय के अनुसार, ताप के अनुसार या वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण, जब छोटे छोटे अल्प अवधि में या छोटे छोटे समय अंतराल पे लगातार उस स्थान के ताप, दाब और वर्षा में परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मौसम का निर्धारण करना है,
ठीक है, मौसम का निर्धारण करना, तो सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जब हम पृथ्वी की बात करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी में कुछ चीजें पाई जाती है। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पहली चीज क्या होती, किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं या कुछ ऐसे कारण हैं जो जलवायु को या मौसम को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला, पृथ्वी की जब वो आकार की बात करते हैं तो कैसी है, ये जियोड आकार की है, या हम कहें संतरे के आकार की, जो ध्रुवों पर चपटी हुई है और यहां पर गोलाकार है। दूसरा, अक्ष की तरफ झुकाओ, अक्ष की ओर झुकाओ, पृथ्वी का झुकाव किधर है, अक्ष की ओर है, यानी ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष की ओर झुकी हुई है। तीसरा, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है, और ये पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी वेस्ट टू ईस्ट, इसकी जो घूर्णन की गति है वो क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी वजह से हमें सूर्योदय जो है पूर्व में दिखाई देता है और सूर्यास्त हमें पश्चिम में दिखाई देता है, और ये निश्चित है, ये निश्चित है, हर सुबह सूर्योदय होगा और हर शाम में सूर्यास्त होगा। किस वजह से, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपको ये भी पता है कि अगर भारत में दिन हो रहा है तो जो पीछे देश है, जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहां पर क्या होगी, रात्रि होगी, पूर्व की ओर जाएंगे तो वहां पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो देशांतर रेखाओं वाला चैप्टर है, उस पे हम लोग आएंगे। तो किसी भी जलवायु को प्रभावित करने के लिए ये कारक है मुख्य रूप से, एक पृथ्वी का अक्ष की ओर झुकाव 23.5 डिग्री, दूसरा पृथ्वी की घूर्णन गति। अब देखो, पृथ्वी के केंद्र से, बिल्कुल सेंटर से एक रेखा जाती है जिसको कहा जाता है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको 0 डिग्री अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब आपको कुछ चीजें पता होंगी कि ऊपर उत्तर की ओर जब हम चलते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में एक रेखा पाई जाती है जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में मौजूद रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसी की वजह से जैसे अब हम बात करें तो एक स्थान, एक टाइम है 23 मार्च और 23 सितंबर। होता क्या है, यहां पर देखो, जब सूर्य की बात करें, एक तो इसका अक्षीय झुकाव, दूसरा क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या करती हैं, सीधी पड़ेंगी या तिरछी पड़ेंगी। जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं उस समय क्या होता है, दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, और यह समय कौन सा है, 23 मार्च का उत्तरी गोलार्ध में बसंत का अंत और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। जब ये सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, इस पर सीधी दिखती है, तो यहां पर गर्मी का शुरुआत होती है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु का आगमन होता है। इन दोनों ही दिनों पर क्या होता है, दिन और रात की लंबाई इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। जैसे जैसे हम कर्क रेखा से या मकर रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जो सूर्य की किरणें हैं ये तिरछी होती जाती हैं, जिसकी वजह से यहां पर सूर्य का ताप क्या होगा, कम होगा। सूर्य का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। और जब जब तापमान कम होगा तो जो दाब है, जो वायुमंडलीय दाब है वो ऊपर बढ़ जाता है, वो दाब क्या है, ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, ताप घटेगा दाब बढ़ेगा। यानी अगर मैं कहूं इस जगह पे तापमान सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे अधिक होगा और ध्रुवों पर तापमान सबसे कम होगा, इसका मतलब ध्रुवों पर दाब सबसे अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर दाब सबसे
कम होगा। इसका कारण क्या है कि सूर्य की सीधी किरणें यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य पूरे 12 महीने पूरे वर्ष क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये वाला जो स्थान है भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, ये 12 महीने यहां पर क्या रहेगी, गर्मी होगी। भूमध्य रेखा पर हमेशा 12 महीने गर्मी पाई जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे क्या हम लोग, भूमध्य रेखा पर सूर्य पूरे वर्ष लंबवत होता है, जिस कारण इस क्षेत्र में या यह क्षेत्र सर्वाधिक गर्म होता है। और अगर यह क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म है, यहां का तापमान क्या होगा, उच्च तापमान पाया जाएगा। और उच्च तापमान के कारण यहां पर जो वायुमंडलीय दबाव है वो लगभग नगण्य होगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब क्या होगा, नगण्य होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, देखो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किससे बना है, इसके अंदर गैसें हैं, ठीक है, इसके अंदर धूल कण है, ठीक है, गैस है, धूल कण है, नमक की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, नमक के कण इसके अंदर पाए जाते हैं, गैस, धूल कण, नमक, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, वायुमंडल का निर्माण करती है। और इस वायुमंडल पर एक बल काम करता है जिस बल को कहा जाता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और इसी बल के कारण ये वायुमंडल पृथ्वी पर मौजूद है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, वन डायरेक्शनल है, एक दिशात्मक बल है जो हमेशा चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, इसी वजह से ये वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के आवरण में या पृथ्वी के अंदर मौजूद रहता है। और ये बहुत आवश्यक है, आप सभी जानते हैं कि जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, सब इस वायुमंडल पर निर्भर है। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो हमारा कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। क्यों, क्योंकि वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, और हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसको प्राण वायु भी कहा जाता है, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो होगा क्या, ये जो सतह है, इस सतह पर ये जो वायुमंडल है, इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, कौन खींच रहा है, सतह खींच रही है, पृथ्वी की सतह खींच रही है। जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये क्या करेगा, इस पे एक बल आरोपित करता है, और उसी बल को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यानी वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित बल क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, हो गई आप लोगों को, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चले। तो वायुमंडल क्या है ये पता चल गया, वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब नगण्य होगा, कहां पर, भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होगा, ठीक है, यहां पर नगण्य और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। इसके अलावा जब हम महासागरों की बात करते हैं, देखो स्थल और महासागर दो प्रकार के क्षेत्र हैं, तो स्थल की अपेक्षा जो वायुमंडलीय दाब है, स्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा
महासागरों एवं सागरों पर अधिक होता है। अधिक लगता है। उसका भी कारण क्या है? देखो मैंने बता दिया कि सर ने तो बता दिया कि सर वायुमंडल का जो दाब है वो स्थल की अपेक्षा जलमंडल पे ज्यादा लगेगा। अब उसके लिए कारण क्या है समझो कि भाई ये जलमंडल है हमारा, ये महासागर है, ठीक है, और ये हमारा स्थल मंडल है। अब होगा क्या अगर मैं आपसे फोर्स लगाने की बात करूं तो फोर्स ज्यादा हम कहां लगा सकते हैं? इस क्षेत्र पर लगा सकते हैं, जल है, सॉफ्ट है, तो यहां पर फोर्स लगाना ज्यादा आसान होगा अपेक्षाकृत स्थल मंडल के। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से ठोस है, ये पूरी तरह से ठोस है, इस वजह से इस क्षेत्र पर ज्यादा बल लगता है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, जलवायु के वितरण की बात कर लेते हैं। जलवायु के वितरण की हम बात करते हैं। अब देखो क्या है, ये भूमध्य रेखा हो गई हमारी, भूमध्य रेखा, ठीक है। साढ़े 23 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा, दक्षिण मकर रेखा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सूर्य की जब हम किरणों की बात करते हैं तो इस क्षेत्र पर, इस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और इस स्थान को सबसे ज्यादा गर्म रखती हैं। इस स्थान को सबसे ज्यादा गर्म रखती है, यानी इस क्षेत्र का तापमान भी अधिक होगा, ठीक है। जब कर्क रेखा और मकर रेखा के इस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की मात्रा इसको कहा जाता है। अब देखो एक बात मैंने बताई आपको कि यहां पर तापमान क्या होगा? अधिक होगा। यहां पर दाब क्या होगा? निम्न होगा। दाब क्या होगा? निम्न होगा। इस क्षेत्र में क्या चलती है? व्यापारिक पवने चलती है। इस क्षेत्र में जो पवने चलती है उनको व्यापारिक पवने कहा जाता है। अच्छा, व्यापारिक पवने ही क्यों कहते हैं? क्योंकि कृषि के लिए ये पवने बहुत ज्यादा उत्तम है। ये बहुत प्रकार की, कई प्रकार की वर्षा के लिए जिम्मेदार है। जैसे अगर हम ग्रीष्मकाल की बात करें, मानसूनी पवनों की बात करते हैं, तो मानसूनी पवने क्या करते हैं? दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जब आती हैं तो ये अपना रुख बदल लेती है और पूर्व की तरफ घूम जाती है, पूर्व की तरफ घूम जाती है। इसी प्रकार से जब हम ऊपर बात करते हैं, ध्रुवों से आने वाली हवाएं ये भी क्या करती है? अपना रुख मोड़कर पूर्व की तरफ कर लेती है, ठीक है। पवनों का एक अपना रोल है। और जब ये महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं, जब ये हवाएं महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं तो वहां से नमी को ग्रहण करती है और आर्द्र हो जाती है, जिसकी वजह से संवहन प्रक्रिया होती है। और संवहन से क्या होंगे? बादल बनेंगे और भरपूर मात्रा में वर्षा करवाते हैं, ठीक है। अब देखो तापमान यहां पर ज्यादा है, वाष्पीकरण यहां पर ज्यादा होगा। वाष्पीकरण अगर ज्यादा होगा तो संघनन भी अधिक होगा। संघनन क्या है? देखो अब समझो कि संघनन क्या होता है, ठीक है। संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, जो जल वाष्प है वो या तो तरल रूप में, जल के रूप में बदल जाएगी, या हिम के रूप में या ठोस रूप में परिवर्तित होना। जल वाष्प का तरल या ठोस रूप में परिवर्तित होना
क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और इसकी वजह से ही क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है और वो बादल क्या कराते हैं? वर्षा कराते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि अगर इस क्षेत्र का ताप अधिक है तो यहां पर महासागर भी है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा महासागर है, स्थलीय क्षेत्र बहुत कम है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस क्षेत्र की जो वायु होगी वो सबसे ज्यादा आर्द्र होगी या आर्द्रता उसमें अधिक होगी, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये आर्द्रता क्या है। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि सर आर्द्रता क्या है। तो भाई आर्द्रता क्या है कि वायु की जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता, यानी एक वायु जो किसी विशेष क्षेत्र पर चल रही है, जो पवने वहां पर चल रही हैं, वो जल वाष्प को किस मात्रा तक, किस लेवल तक ग्रहण कर सकती है, उसको क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। संघनन क्या है? अब वो जो जल वाष्प वायु के अंदर आ गई वो क्या करेगी? या तो तरल रूप में या हिम के रूप में अपना अपनी जो प्रकृति है उसको बदलती है, चेंज करती है, जिसके कारण या तो वो हिम में बदल जाएगी या फिर तरल में बदल जाएगी। इसी प्रक्रिया को संघनन कहा जाएगा, ठीक है। इस संघनन की वजह से क्या होगा? बादलों का निर्माण होगा। इस संघनन के कारण क्या होगा? बादलों का निर्माण होगा। तो अब एक बात देखो, यहां पर ताप सबसे अधिक है, यहां पर दबाव सबसे कम है, यहां पर महासागर उपलब्ध है, वायु अधिक आर्द्रता लेगी, अधिक जलवाष्प को ग्रहण करेगी, तो बादल भी अधिक होंगे। अगर बादल अधिक होंगे तो वर्षा भी अधिक होगी, वर्षा भी अधिक होगी। यहां पर क्या होगा? वर्षा भी कैसी होगी? हाई होगी, सबसे ज्यादा होगी। है ना बात सही कि भाई सर ने बोला कि ताप ज्यादा है, ताप ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगी तो जल वाष्पीकृत ज्यादा होगा, वाष्पीकृत ज्यादा होगा तो संघनन भी ज्यादा होगा, संघनन ज्यादा होगा तो बादल भी ज्यादा बनेंगे, और बादल ज्यादा बनेंगे तो वर्षा भी अधिक होगी, होगी ना, ठीक है। यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, हम किसकी बात कर रहे हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को और भी हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इसको और भी हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तापक्रम के अनुसार, वर्षा के अनुसार और दबाव के अनुसार इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। तो एक क्षेत्र आता है जिसमें 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, किसकी बात कर रहे हैं? हम अक्षांशों की बात कर रहे हैं। और अक्षांश क्या है? वो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको पूर्व से पश्चिम और दिशाओं में खींचा गया है, ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो दिन रात और समय का निर्धारण करती है, ठीक है। अब इस क्षेत्र को बोला जाता है क्या? विषुवत वृत्त। किसको बोला जाता है? विषुवत वृत्त बोला जाता है, ठीक है। यहां पर पाई जाने वाली जलवायु को बोला जाता है विषुवत वृत्तीय, या इसको बोला जाता है, देखो यहां का तापमान क्या है? गर्म है, तापमान अधिक है तो कैसी होगी? उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। नमी ज्यादा ग्रहण कर रही है तो कैसी हो जाएगी? आर्द्र हो जाएगी। यहां की वायु कैसी होगी? आर्द्र होगी। कहां पाई जाती है? विषुवतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो उष्ण आर्द्र विषुवतीय प्रदेश जलवायु, विषुवतीय प्रदेश जल वायु, ठीक है। अब देखो यहां का तापमान क्या है? तापमान उच्च है, प्रेशर लो है, दबाव कम है, और रेनफॉल की बात करें, वर्षा की बात करें तो वर्षा भी अधिक है। वर्षा कितनी होती है यहां पर? यहां पे अगर हम रेन की बात करें, वर्षा की बात करते हैं, तो वर्षा यहां पर लगभग 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर प्रतिदिन होती है। यहां पर डे, हर दिन दोपहर के बाद, हर दोपहर के बाद 12 बजे के बाद यहां पे वर्षा होती ही होती है, जिसकी वजह से यहां पर जो वर्षा है उसकी स्थिति, उसका जो मात्रा है वो 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है, 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच। और अगर वर्षा इतनी घनी है, इतनी अच्छी वर्षा हो रही है, तो यहां पर वन किस प्रकार के पाए जाएंगे? यहां पर जो वन पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे? सदाबहार वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे,
ठीक है, सदाबहार वन पाए जाएंगे जिसमें रोजवुड, महोगिनी जैसे पेड़ों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब ये वाली जो वर्षा है ये क्या करती है, चाय की फसल के लिए बहुत उत्तम होती है। चाय की फसल के लिए ये बहुत उत्तम वर्षा है, क्योंकि चाय को कितनी चाहिए होती है, 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, विषुववृत्तीय प्रदेश, विषुववृत्तीय जलवायु, या इसको भूमध्य रेखीय जलवायु भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखीय जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, या इसको डोल ड्रम के नाम से भी जाना जाता है, डोल ड्रम कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इस विषुववृत्त से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, जो तापमान है वो लगातार गिरता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान क्या करेगा, नीचा होता जाएगा। और जैसे ही ध्रुवीय प्रदेशों में पहुंचते हैं, हम ध्रुवों पर पहुंचते हैं, तो यहां पर तापमान हिमांक के नीचे भी पहुंच जाता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाता है। हिमांक क्या है, वो बिंदु जहां पर जल क्या करता है, हिम में परिवर्तित होता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलो, आगे चलते हैं। ठीक है, विषुववृत्त हो गया, इसके बाद ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और ये वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहलाता है। अब अगर हम इस 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण को छोड़ दें, इसके ऊपर अगर हम चलते हैं, अगर इसके ऊपर हम चलते हैं तो क्या होगा, तापमान में गिरावट होगी, यानी इसकी अपेक्षा तापमान कम हो जाएगा, और अगर तापमान कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तापमान कम हुआ तो रेन, वर्षा भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस क्षेत्र में जो वर्षा पाई जाती है वो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। औसत वर्षा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर है। वर्षा कम हो गई, अगर वर्षा कम हो गई तो जो वन होंगे, जो वनों के प्रकार होंगे, जो वनस्पति होगी वो भी क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। और यहां पर क्या पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्णपाती वन। और इसके अंदर जो विशेष तौर पर आते हैं, शीशम, सागवन, चंदन, जैसे वृक्ष यहां पर आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में लोग सबसे ज्यादा, यहां पे जो लोगों की जो जीवन शैली है, लोग क्या होते हैं, कृषि आधारित लोग यहां पर पाए जाते हैं। और ये जो कृषि आधारित लोग होते हैं, ये कैसी कृषि करते हैं, निर्वहन कृषि करते हैं। निर्वहन से समझते हो, निर्वहन यानी जीवन निर्वहन करने वाली, जीवन निर्वाह करने वाली कृषि, यानी उतना ही अनाज उगाना जितना परिवार के पालन पोषण के लिए आवश्यक है, सिर्फ उतना अनाज उगाना, उससे ज्यादा नहीं। हमें बिजनेस नहीं करना है, हमें उसको बेचना नहीं है, लोगों की मानसिकता ये होती है। इसी वजह से इस क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है भूमि का भूखा, इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भूमि का भूखा कहा जाता है। भूमि का भूखा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसका अधिकतम उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है, अधिकतम
यानी कि कोई भी जमीन छोड़नी नहीं है, कोई भी स्थान छोड़ना नहीं है जहां पर हम फसलों का उत्पादन नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता है, भूमि का भूखा कहा जाता है। निर्वहन प्रकार की कृषि करते हैं, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यहां पर जो वर्षा होगी, यहां पर जो वर्षा होगी, ये जो वर्षा होगी इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में, वो कैसी होती है, मानसूनी वर्षा होती है। यहां पर कैसी वर्षा होगी, मानसूनी वर्षा होगी, ठीक है। इसके साथ साथ ही इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी काफी सारे आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का भी बहुतायत में उपलब्धता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, जिसको हरिकेन, टॉर्नेडो, विली विली, इस तरह से विली विलीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या करते हैं, ये भी वर्षा करवाते हैं और किसी क्षेत्र विशेष में उसके तापमान में, उसके दबाव में, पवनों के अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो हम कह सकते हैं मौसम में अल्पकालिक परिवर्तन ये लाते हैं, अल्पकालिक परिवर्तन लाते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। अच्छा, चक्रवात क्या होगा, देखो चक्रवात क्या होते हैं कि अगर हम चक्रवात की बात करें तो चक्रवात की स्थिति कैसे बनती है, पहली चीज कि केंद्र जो होगा, सेंटर जो होगा, ठीक है, सेंटर में क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, दाब कम होगा। उसका कारण क्या है, जो यहां का तापमान होगा वो उच्च होगा, ठीक है, तापमान उच्च होगा। बाहर की तरफ जैसे ही हम आएंगे, यहां पर जो तापमान होगा वो क्या होगा, कम होगा और दाब सर्वाधिक होगा। और जब दाब बहुत अधिक होगा तो क्या होती है, हवाएं क्या करती हैं, केंद्र की ओर चलती हैं, हवाएं क्या करती हैं, केंद्र की ओर प्रसारित होती हैं। यहां पर क्या होगा, हवाएं, पवने जो होंगी वो केंद्र की ओर प्रसारित होती हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि भाई इन चक्रवातों के निर्माण के लिए एक वाताग्र क्षेत्र बनता है, ठीक है, क्या बनता है, एक वाताग्र क्षेत्र। अभी वाताग्र क्या होता है तो उसको भी समझो कि जब दो अलग अलग टाइप की, जो अलग अलग प्रकार की हवाएं, वायु, यानी एक ठंडी, एक शीत और एक उष्ण, दो आकर किसी क्षेत्र पर मिलती हैं, मिक्स होती हैं, उसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जो चक्रवातों का रूप ले लेती हैं। पहले ये हवाएं सबसे पहले क्या करती हैं, एक दूसरे के समांतर चलती हैं, फिर एक दूसरे में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, केंद्र में दाब कम हो जाएगा, तापमान अधिक होगा, जिसके कारण एक स्थिति बन जाती है जो क्या करती है, हवाएं बाहर से अंदर की तरफ चलने लग जाती हैं, बाहर से अंदर की तरफ चलने लगती हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीतोष्ण चक्रवात और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। देखो शीतोष्ण वाला क्षेत्र कौन सा है, जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण में कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बाद वाला जो क्षेत्र है, इसके बाद वाला क्षेत्र ये उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है, इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय बोला जाता है। और एक किस आधार पर, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापक्रम लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वर्षा में भी अंतर पड़ता है, यानी जलवायु में भी अंतर आ रहा है। अब जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनकी गति बहुत ज्यादा नहीं होती है, इनकी गति जो अधिकतम होती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है,
ठीक है, वही उष्णकटिबंधीय ताप जो चक्रवात हैं, ये इनकी गति जो होगी हमेशा 100 से प्लस होगी और ये कई बार 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलते हैं, 700 से 800 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से भी चलते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, एक ही वी शेप के हो सकते हैं, अगर हम शीतोष्ण की बात करते हैं तो वी शेप के चक्रवात हो सकते हैं, ठीक है, जहां पर ऊपरी हिस्सा चौड़ा होगा, नीचे वाला हिस्सा पतला होगा। दूसरा ये गोलाकार हो सकते हैं, तीसरा ये अंडाकार हो सकते हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, शीतोष्ण के, ठीक है। वही जब हम बात करते हैं किसकी, उष्णकटिबंधीय की, तो ये कीपाकार, ये क्या करता है, एक कीप के आकार का, उष्ण वाला उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ये क्या करता है, कीप का आकार लेता है, कीपाकार लेता है, और ये बहुत ज्यादा विध्वंसक होते हैं, ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, ठीक है। एक शब्द आता है चक्रवात की आंख, चक्रवात चक्षु, वो किसमें बनते हैं, अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में बनते हैं, और ये इस बात का सूचक है कि चक्रवात और ज्यादा भयावह होने वाला है और ज्यादा विनाशकारी होने वाला है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि यहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर तापमान सबसे अधिक होगा, प्रेशर कम होगा और रेनफॉल भी क्या होगा, यहां पर ठीक ठाक होगा, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं या ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि तापमान में भी गिरावट आ रही है, वर्षा की मात्रा में भी गिरावट आ रही है, और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ध्रुवों पर दबाव सबसे अधिक होगा, जो दाब होगा वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, सर्वाधिक यहां पर होगा, ठीक है। तापमान की बात करें तो तापमान भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही जब पशुआ पवनों की बात करते हैं, व्यापारिक पवनों की बात करते हैं, तो इनकी जो दिशा होती है वो पूर्व की ओर होती है, अक्सर ये पूर्व की ओर मूव करते हैं, पूर्व की ओर चलते हैं, जिसकी वजह से महाद्वीपों के पूर्वी भागों में अधिकतम वर्षा करवाते हैं, ठीक है, अधिकतम वर्षा पूर्वी भागों में होती है, और पश्चिमी भाग पवनों की दिशा के विस्थापन के कारण, विस्थापन के कारण, के कारण पूर्वी भाग में, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा तथा पश्चिमी भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा पाई जाती है। अब एक बात समझो कि अगर पश्चिमी भाग में हम बात करते हैं, किसी भी अगर हम बात करें, अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की भी बात करते हैं, तो देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये पश्चिमी भाग हो गया, इस क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा होगी, यहां पर क्या होगी, अच्छी खासी वर्षा होगी, यहां पर वर्षा क्या होगी, अधिक होगी, और यहां पर वर्षा क्या होगी, बहुत कम होती है, वर्षा कम होगी। इस वजह से प्रत्येक महाद्वीप में, अगर हम किसी भी महाद्वीप की बात करते हैं, वहां पर रेगिस्तानों की बात करेंगे, मरुस्थलों की बात करेंगे, तो अधिकतम मरुस्थलीय, जितने भी मरुस्थल हैं, जितने भी मरुस्थलों की हम बात करते हैं, ये सभी के सभी मरुस्थल कहां पे, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाएंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाएंगे, और खासकर उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है।
अब दूसरा एक चीज और होती है, देखो जलवायु की जब हम बात कर रहे हैं तो जो सागर और लैंड वाली जब हम बात करते हैं, स्थल वाली क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो यहां पर होता क्या है कि सागर है, सागर क्या होते हैं, स्थल की अपेक्षा जल्दी से गर्म नहीं होते जब दिन का समय होता है, ठीक है, दिन के समय की हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये क्या होता है, पारदर्शी होते हैं, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो क्या करती है, पारदर्शी होने के कारण पूरा नीचे तक जाती है, जबकि स्थल पे ये सिर्फ कुछ मीटर तक या कुछ फुट तक ही पहुंच पाती है, इसलिए स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं। यहाँ का तापमान क्या होता है, स्थल की अपेक्षा कम होता है, प्रेशर हाई होता है, तो यहां से हवाएं चलना शुरू करती है और कोई पर्वत कोई पहाड़ आ जाता है उसके सहारे हवाएं क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं। अब ये हवाएं कहां से चल रही हैं, महासागरों या सागरों के ऊपर से चल रही हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे ही ऊपर उठती हैं संवहन होता है और ये बादलों का निर्माण करती है जिससे क्या होगी वर्षा होगी। अब ये वर्षा कब किधर होगी, जो पवनाभिमुख ढाल है यानी जिस दिशा में पवन चल रही है उन ढालों पर तो बहुत अच्छी वर्षा कराती है, और इसके विमुख वाला जो क्षेत्र है, पवना विमुख क्षेत्र जो है, वहां पर वर्षा ना के बराबर होती है। इस वजह से इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। मुझे लगता है तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मैंने आपको बताया, एक तापमान, दाब, वर्षा, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति यानी अक्ष की तरफ 23.5 डिग्री झुका हुआ होना, इसके अलावा सागर और स्थल, सागर से चलने वाली यह सागरीय समीर जो होती है इसको क्या बोला जाता है, सागरीय समीर बोला जाता है। दिन के समय में सागरीय समीर चलती है और रात्रि के समय में स्थलीय समीर चलती है, ठीक है, रात्रि में स्थलीय समीर और दिन के समय में सागरीय समीर, जिसकी वजह से ये लगातार वर्षा कराती है। तो ये था जलवायु का एक मोटा मोटा, मैंने आपको बताया कि वितरण कैसे होता है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। प्लूटस आईएएस पे आपको ऐसी ही और भी सारी क्लासेस मिलेंगी, आप अन्य विषयों के में भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस विषय को पढ़ना कैसे है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।